जय माता दी। मैं बीके गोयल, जनरल सेक्रेटरी श्री दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट। आज दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट का 72वां स्थापना दिवस है, और जब 1950 में ये मंदिर बना तब ये बहुत छोटे से आकार से शुरू हुआ, और धीरे धीरे आज ये मंदिर लुधियाना में नहीं बल्कि पंजाब में भी ये एक तीर्थ स्थल माना जाता है। ये मंदिर सब लुधियाना वासियों के लिए प्रेरणा का सोर्स है, और यहाँ धार्मिक, सामाजिक सभी तरह के कार्यों को उत्साहित किया जाता है, जैसे सिलाई मशीन सिखाना, मेहंदी कोर्स, कंप्यूटर, और एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल ये मंदिर के नीचे चल रहा है जो सेंट्रल एयर कंडीशन है, और इस पे हम सब्सिडी रेट्स पे सब पेशेंट्स को देखते हैं। किसी चीज़ का वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है? सब तरह के, जैसे गाइनी, ENT, ऑर्थो, मेडिसन्स, आईज, डेंटल, अल्ट्रासाउंड्स, और पंचकर्मा, फिजियोथेरेपी, सब तरह का ट्रीटमेंट बड़े अच्छे। होम्योपैथिक मेडिसिन भी? हाँ, होम्योपैथिक भी। ये पंजाब के सबसे मशहूर डॉक्टर हैं जो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे MDs हैं, और सब निष्भाव भाव से सेवा करते हैं, और किसी में ये कमर्शियल फीलिंग्स नहीं है। सो माँ भगवती की कृपा से जो भी यहाँ आता है वो स्वस्थ होके जाता है, और हम ये प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती सबको इतनी ही प्रेरणा देती रहे, ताकि ये जितने भी सब ट्रस्टीज हैं और सामाजिक कार्य में संलग्न रहें। और हम अभी से पहली तारीख से इसमें म्यूज़िक विद्यालय शुरू करने जा रहे हैं, जो कि लड़कियों के लिए हम म्यूज़िक सिखाएंगे, ताकि ये बच्चे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं फंक्शन है 72वां फंक्शन, इहदा की अज दा ऑर्गेनाइज है और केड़ी पार्टी आ रही है, की कहना चाहते हैं? अज साढ़े जिहड़ा ट्रस्ट हैगा मंदिर दा 72वां स्थापना दिवस है। अज तो 72 साल पहले जिहड़ा सी ये मंदिर इत्थे एस्टैबलिश होया सीगा, ते साढ़े मंदिर ते हर भगत दे उत्ते माँ दी ऐसी कृपा है कि हौली हौली करके ये लुधियाना का एक बहुत बड़ा सिद्धपीठ बन गया। अज का जिहड़ा प्रोग्राम है, सवेरे पहले तो हवन होया सी 8:15 बजे, तो उस हवन के विच भी लोगों की जिहड़ी शुभकामना लोगों नूं दित्तियां गईयां। उस तो बाद खीर का प्रसाद वंडिया गया इत्थे, ते उस तो बाद क्योंकि अज एकादशी भी सी, एकादशी करके जिहड़ा है वो सारा व्रत वाला मटीरियल जिहड़ा सी उसी जिहड़ा है लोगों नूं अर्पित किए। तुसी उस तो बाद देखो कि हुण 8 बजे तो साढ़े इत्थे एक जिहड़ा हैगा एक संकीर्तन जिहड़ा हैगा वो किया जा रहा है। संकीर्तन करन वास्ते डॉक्टर राजेश यूनिवर्स हैगे यमुनानगर तो, वो बिलोंग करते हैं सहयोग परिवार को, वो आए है वो अपनी मंडली दे नाल, ते वो तकरीबन 11 बजे तक माँ का गुणगान करनगे, ते साडे जिहड़े है कोई मंदिर की शोभा नूं बढ़ाणगे। सर अज लाइव भी दिता जा रहा है न्यूज़ DNN वालों, मैं दर्शकों यही कहांगा कि मंदिर जिहड़ा है उन्हां दा हैगा, उन्हां दे सहयोग दे नाल ही मंदिर चलता हैगा। ट्रस्ट कमेटी का अपना कुछ वो नहीं हुंदा हैगा। मैं हर लुधियानवी नूं और जिहड़े भी लोग बाहर तो आते हैं उन्हां नूं यही बेनती करांगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या दे विच मंदिर आन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करन और अपने जीवन नूं सफल बनान। जय माता दी। आज ये मेरा सारा साईं परिवार, साईं रसोई जो चला रहा है रोज, ये आज सारा परिवार मेरे साथ यहाँ दुर्गा माता मंदिर में उपस्थित हुआ है, क्योंकि यहाँ दुर्गा माता मंदिर का आज 72वां मूर्ति स्थापना दिवस है। ये 72 साल हो गए हैं मित्तल परिवार ने इस मूर्ति की स्थापना यहाँ पर करवाई थी, और इतने दर्शक लोग यहाँ पर ये माता का स्वरूप देखने के लिए और माथा टेकने के लिए आते हैं, और माँ माई सबकी मुरादें पूरी करती है। मैं मित्तल परिवार का और ये दुर्गा माता मंदिर के सब ट्रस्टियों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज ये दर्शन का माँ माई का मौका दिया, और मैं यही चाहूँगी माँ माई सबके भंडारे भरे रखे और सबको खुश। सेक्रेटरी श्री दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट माँ के आज के 72वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, माँ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सारे लुधियाना और पंजाब वासियों को लाख लाख बधाई, और मैं सभी
माँ के प्रेमियों को प्रार्थना करता हूँ कि माँ का आज आशीर्वाद लेने मंदिर में जरूर आएं और संकीर्तन का आनंद लें। जय माता दी। जय माता दी। मैं हरप्रीत रिपू गिल और जो आज दुर्गा माता मंदिर में ये 72वां जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, मूर्ति स्थापना दिवस, मैं सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और महामाई सबके घरों में खुशियाँ दें और ऐसे ही हम सब माथा टेकने यहाँ आते रहें। जय माता दी। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.